एवरीवन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट मिसी रोटी, दाल वाली मिसी रोटी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाने भी बहुत आसान है। कभी भी हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। साथ में हम बना रहे हैं व्हाइट बटर, घर की फ्रेश मलाई से हम तैयार कर रहे हैं व्हाइट बटर। तो सबसे पहले हम मिसी रोटी बना लेते हैं। मिसी रोटी के लिए यहाँ हमें चाहिए आटा, चने की दाल, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अनारदाना, काली मिर्च, जीरा, कोरिएंडर सीड्स, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और हमें चाहिए थोड़ा सा देसी घी और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हमने चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद 1 घंटा हमने इसे सोक किया था, उसके बाद बॉईल किया है। बॉईल करते टाइम हमने इसमें थोड़ा सा नमक, देसी घी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है। और यहाँ हम एक पैन ले रहे हैं, पैन में ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर सीड्स, काली मिर्च और जीरा। इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं फटाफट से। इसको ध्यान रखेंगे गैस फ्लेम लो रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसको ठंडा करके इसको क्रश कर लेते हैं। यहां हम एक बोल ले रहे हैं, बोल में ऐड कर रहे हैं आटा। आटा हमने 2 कप आटा लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं चॉप्ड चिल्ली, जिंजर और गार्लिक। साथ में ऐड कर रहे हैं अनियन, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने थोड़ा सा रोस्ट करके हाथ से क्रश किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया, जीरा, काली मिर्च जो हमने रोस्ट किया था उसको क्रश किया है वो हमने ऐड किया है, थोड़ा सा अनारदाना, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बॉइल्ड दाल। ध्यान रखेंगे दाल हमारी एकदम ठंडी हो जानी चाहिए। बॉईल करने के बाद अच्छे से इसको ठंडा करना है और ठंडी दाल हमने आटे में ऐड करनी है। धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे और दाल इसमें हम ऐड करते जाएंगे। सारी दाल एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे जिससे हमारा डो बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। यहां में पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो डो रेडी होता है वो बहुत ही बढ़िया रेडी होता है और इससे जो हमारी मिसी रोटी बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। देखिए अच्छे तरह से इसको मिक्स करते हुए हम इसका एक बढ़िया सा डो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ध्यान रखेंगे यहाँ पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर जरूरत लगती है यहाँ पर कि आटा काफी हार्ड है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमने सारी दाल इस्तेमाल कर ली है। 2 कप आटे में हमारी सारी दाल यूज हो चुकी है। यहाँ हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं और इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आटा हमारा रेडी हो चुका है। यहां हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और तब तक हम बना लेते हैं बटर। ये देखिए हमने मलाई ली है, फ्रेश मलाई है 2 कप। एक बीटर की हेल्प से हम इसको बीट कर लेते हैं। मलाई की क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफी कम है तो इसको हम हाथ से ही बीट करके बना रहे हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मिक्सिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत कम टाइम में ये मक्खन बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। ये देखिए यहाँ हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है इसको तैयार करने में। ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से बटर जो है वो मलाई से अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ बीटर निकाल देते हैं और एक स्पून की हेल्प से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे जो हमारी मलाई है वो नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर की, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ठंडा पानी जिससे हम इस बटर को अच्छे से कलेक्ट कर सकें। आइस वाटर हम इसमें डाल रहे हैं। इसे जो बटर है आसपास जो लगा हुआ है सारा बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए बटर आसानी से इकट्ठा हो चुका है। यहाँ थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल रहे हैं हम इसके ऊपर और एक दूसरे बोल में एक बार और हम इसको
ठंडे पानी से निकाल लेते हैं, जिससे ये बटर बहुत अच्छे से जम जाएगा और इसमें जो थोड़ा बहुत दूध लगा रह गया वो भी क्लीन हो जाएगा। ये देखिए ठंडा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हाथ में चिपकता नहीं है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया व्हाइट बटर हमारा रेडी हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारा बटर रेडी है, आटा भी रेडी है। अब हम बनाते हैं मिसी रोटी। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं एक बारी आटा अपना। ये देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्टली रेडी है। तो हम छोटी छोटी बॉल्स लेते जाएंगे इस तरह से आटे की, और थोड़ा सा ड्राई फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए हम इसके पेड़े बना लेते हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा ड्राई फ्लोर इस्तेमाल करते हुए फटाफट से जैसे हम चपाती बनाते हैं उस तरह से इसको बेलते जाएंगे। या चाहें तो आप ड्राई चपाती बना सकते हैं जैसे तंदूरी रोटी बनती है, या फिर इसको पराठे की तरह भी बना सकते हैं। यहाँ हम पराठे की तरह बना रहे हैं, तो बीच में हमने लगाया थोड़ा सा देसी घी और साइडों से इस तरह से रोल करते हुए हम इसको फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा घी हम ऊपर से और लगा देते हैं और इस तरह से इसको रोल करते हुए हम इसके छोटे छोटे पराठे बना लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए किसी भी तरह से आप इसको बनाएं, जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि जो आटा रेडी हुआ है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आटा रेडी हुआ है। किसी भी तरह से आप इसे बनाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फटाफट से हमने इसको बेल लिया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। इसमें बहुत सारे मसाले हैं, दाल है, तो ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, फटाफट से हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तवे के ऊपर। ध्यान रखेंगे तवा काफी गर्म है, और इस तरह से इसको हम पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। चाहे तो घी लगाएं, चाहे तो आप ना लगाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा घी लगाया हमने और अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से घी लगाते हुए हमने इसको क्रिस्पी किया है, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हमने इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहे तो कोरिएंडर लीव्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसमें तिल लगा सकते हैं, काले तिल, या फिर कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके साथ चिपक जाते हैं ये। और इस तरह से हम अपने सारे पराठे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फटाफट से बन जाते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी मिसी रोटी रेडी कर लेते हैं। देखिए मिसी रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, तो आइए फटाफट से इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया। रेडी हमारी मिसी रोटी, इसको हम सर्व कर रहे हैं व्हाइट बटर के साथ और थोड़ी सी ग्रीन चटनी के साथ। रेडी हमारी डिलीशियस एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट मिसी रोटी।